दीपावली का सही शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरह से करें पूजन, किस वस्तु को रखने से होती है अधिक धन का लाभ और किस लगन में करें पूजन, जानते हैं झांसी महानगर के परम विद्वान आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ वालों के साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी। आइए हम लोग चर्चा करते हैं शुभ दीपावली के विषय पर। 12 नवंबर 2023 दिन में 3:43 से दीपावली अमावस्या का पर्व शुरू हो जाएगा, जिसमें आप 3 प्रकार की लग्न होती हैं। माँ भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चर, स्थिर और दुष्भाव। तो माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन किस लग्न में करना चाहिए? शास्त्रों की मान्यता है कि स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी का पूजन भगवान कुबेर के सहित करने से विशेष धन की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। अतएव आप सभी लोग इस वर्ष दीपावली को रात्रिकालीन जब माँ भगवती का पूजन आराधना करें तो उस समय पूजन के यंत्र के साथ में ही 2 हल्दी की गांठ कलावा लगा करके रखें, साथ में खड़ा धनिया, और इन सबको पूजा करने के बाद वहीं छोड़ दें। प्रातःकाल उठते ही वहाँ से वह खड़ा धनिया एवं 2 हल्दी की गांठ को उठा करके अपनी तिजोरी जैसे स्थान पर रख दें। आपको जीवन में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं रहेगी एवं अनेकानेक किसी न किसी प्रकार से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।